दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हूँ, जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है। आप उम्मीद करेंगे किसान यहाँ लंगर चला रहे हैं, मूंगफली दे रहे हैं। आप कभी अडानी अंबानी के मॉल में जाइएगा और एक सलाई की तिल्ली उठाकर देखिएगा, हो सकता है वो आपको जेल भेज दे। लेकिन इस देश के किसी खेत में चले जाइए, गन्ना तोड़ लीजिए, संतरा तोड़ लीजिए, अंगूर तोड़ लीजिए, वो आपको मना नहीं करेगा। हो सकता है किसान और आपको दे दे, लेकिन इसी को मीडिया बदनाम कर रही है। वो कह रही है कि पिज्जा खिलाया जा रहा है, बर्फी खिलाया जा रहा है। ये देखिए, खालिस दूध की चाय, लंगर में किसान अपने भैंस का दूध का खालिस चाय पिलाता है। और ये देखिए किस तरह से मूंगफली की ढेर लगी जो है, लंगर के रूप में लोगों को मूंगफली दी जा रही है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी अंबानी अडानी के मॉल में जब आप जाएंगे, जब उसका खेतों पर कब्जा हो जाएगा, जब आप उसका फार्मिंग पे कब्जा हो जाएगा, तो आप उसके मॉल से एक सलाई की तिल्ली नहीं उठा सकते हैं, एक आइसक्रीम नहीं उठा सकते हैं, एक चॉकलेट नहीं उठा सकते हैं। लेकिन किसान जब रहेंगे तो इसी तरह से आपको मूंगफली मिलेगा, खाने पीने की सामान मिलता रहेगा, वो भी सस्ता। ये देखिए, ये बच्चा जो है मूंगफली ले रहा है, तो ये पूरी लड़ाई इसी के। ये देखिए तस्वीरें, किसान जो है वो मूंगफली दे रहा है, वो चाय पिला रहा है, ये लड़ाई इसी की बचाने की है। अगर ये किसान नहीं बच पाए तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आपको दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें देखते जाइए कि किस तरह से निश्चलता से बड़ा दिल देकर किसान जो है वो लोगों को मूंगफली दे रहे हैं। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी मॉल से आप एक सलाई की तिल्ली उठा ले, एक चॉकलेट उठा ले? ये तस्वीरें देखिए। मैं इसलिए कहता हूं कि ये आंदोलन जो है वो किसानों का आंदोलन नहीं है, वो गरीबों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, वो तमाम नौकरी पेशा लोगों का आंदोलन है जो इस देश में कम आमदनी के बाद भी खाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। अगर किसानों की जमीन चली गई, अगर उस पर कॉरपोरेट का कब्जा हो गया, अगर वो अंबानी अडानी के कब्जे में चला गया, तो इस तरह की लंगरें आपको फिर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो सब कुछ उसके कब्जे में होगा। तो ये आंदोलन इसी को बचाने की लड़ाई है, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, डॉक्टर साहब आपने एक पोस्ट लिखा था कि आप गन्ना तोड़ सकते हैं, ईख तोड़ सकते हैं, अंगूर तोड़ लीजिए, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अंबानी के आप शॉप से जाके एक तिल्ली नहीं उठा सकते हैं। तो ये बात लोग समझ तो नहीं रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, समझते नहीं तो इतनी संख्या में यहाँ पर कहाँ से लोग होते हैं। आप देख रहे हैं आज झुझुम कितने लोगों का यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है, पूरे भारत से सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए मिल रहा है कि अडानी अंबानी जैसे लोग इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था न ला पाए। और बाकी तो आप किसान सरकार का देख ही रहे हैं, सरकार तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और तो और मोदी जी चिढ़ा रहे हैं सरकारों को, दो चार किसानों को बुला करके ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं वहां पर जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि यहां पर 21 किसान कल एक यहां पे संत थे राम सिंह, उन्होंने आत्महत्या कर लिया किसानों की दशा देख करके, 21 किसानों की लगभग मृत्यु हो चुकी है, तब भी मान जाना चाहिए। तो देखिए, आप अंबानी अडानी की दुकान से एक चॉकलेट नहीं उठा सकते हैं, लेकिन किसान यहाँ अपना मूंगफली खिला रहा है। तो ये लड़ाई जो है वो सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई जो है वो गरीबों की है, मजदूरों की है। अगर सब कुछ अडानी अंबानी के कब्जे में हो जाएगा, कॉरपोरेट के कब्जे में चला जाएगा, तो आपको सब कुछ खरीदना पड़ेगा। नहीं मिलेगा ना, अडानी के पास चला गया तो फिर नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे? कहीं भी नहीं मिलेगा, लंगर भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सभी उसी के कब्जे में हो जाएगा। बचा लीजिए आप लोग देश को, बचा लीजिए, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। हाँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बचाएंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीत के जाएंगे। हाँ, लड़ाई लड़ेंगे, जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे। तो ये तस्वीरें देखिए कि एक लड़ाई जो है वो गरीबों की, मजदूरों की, भूखे लोगों की लड़ाई है। अगर किसान हार गए तो ये देश हार जाएगा, गरीब हार जाएगा, मजदूर हार जाएगा, नौकरी पेशा लोग हार जाएंगे। सैल्यूट कीजिए इन लोगों की कि सर्दी में भी उत्साह के साथ खाना खिलाते हुए लोगों को, ये अपने लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें आपको सब कुछ बयां करती। तो अगर आप चाहते हैं कि इस देश में किसान, अगर आप चाहते हैं कि आपको सस्ता अनाज मिले, आपके बच्चे को भरपेट भोजन मिले, आप गरीब हैं, मजदूर हैं, लाचार हैं, आप नौकरी पेशा लोग हैं और आप चाहते हैं कि आपको अन्न मिलता रहे, उसको बिजनेसमैन के चुंगल में जाने से बचा लीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप दाने दाने को तरस जाएंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।